हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। और आज उस 59 ऐप्स की लिस्ट में एक ऐप है जो इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ एम्प्लॉय यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है वीचैट। हो सकता है यह भी टिकटॉक की तरह बैन हो जाए। और मैं जानता हूँ हर एम्प्लॉय का नंबर आप सेव नहीं रखते हैं, और यदि वीचैट भी एकदम से बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में कम्युनिकेशन के पर्पज से ऐप की जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े एम्प्लॉय से जुड़े रहेंगे, जिससे आपके बिजनेस या जॉब पर कोई नुकसान नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊँगा डिंग टॉक ऐप के बारे में। आइएगा जानते हैं डिंग टॉक ऐप क्या है और इसे कहाँ से डाउनलोड करें। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। आइएगा शुरू करते हैं। डिंग टॉक ऐप एक कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। ये ऐप डेवलप की गई थी 2014 में अलीबाबा ग्रुप के द्वारा, और डिंग टॉक ऐप सपोर्ट करती है एंड्रॉयड, iOS, macOS, विंडोज, वेब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को। आइए इसे यूज़ करके देखते हैं और सीखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसके फंक्शन में क्या क्या है और कैसे काम करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसे आप कॉपी कर लीजिएगा और अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से पहले वो आपका कंट्री कोड, यानी कि इंडिया का कंट्री कोड है +1 +91, जो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो कुछ इस तरह दिखेगी। उसके बाद जब आप उसे ऑन करेंगे तो आपका ये प्लेटफॉर्म होगा। जब आपके पास ये प्लेटफॉर्म आ जाए, उसमें सबसे पहले आपको यदि कोई सीनियर ने QR कोड दिया हुआ है या कोई लिंक दिया हुआ है तो उसे आप एक्सेस करके किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई QR कोड सेंड किया हुआ है तो राइट कॉर्नर टॉप साइड देखिएगा, यहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा है। प्लस के साइन पर जैसे ही आप टैप करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा स्कैन QR कोड। स्कैन QR पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्कैनर ऑन हो जाएगा। स्कैनर ऑन होने के बाद में आपके जस्ट राइट कॉर्नर टॉप साइड यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं। 3 डॉट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जो आपने QR कोड पहले से सेव किया हुआ है उस पर आप टैप कीजिएगा और आप अपने मोबाइल से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है, सेकेंड ऑप्शन है आप अपनी प्रोफाइल। आइएगा जानते हैं प्रोफाइल को कैसे सेट करें। प्रोफाइल को सेट करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर आप राइट साइड, लेफ्ट कॉर्नर टॉप साइड आप देखिएगा, जहां पर ये यू लिखा आ रहा है यहां पर आपको टैप करना होगा। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे एक विंडो आपके सामने पॉपअप आ जाएगी। सबसे डाउन साइड आप देखिएगा, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है लाइट, यानी कि आप डिंग टॉक के अंदर भी दो मोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लाइट के ऑप्शन पर टैप करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको डार्क और लाइट का ऑप्शन। यदि आप डार्क मोड यूज़ करना चाहते हैं तो डिंग टॉक का ये जो मोड है डार्क मोड, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप डार्क मोड को ही यूज़ करें, क्योंकि आपके मैक्सिमम काम प्रोफेशनल से रिलेटेड जितने भी होते हैं उसके लिए आप मैक्सिमम टाइम अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं और इससे आपकी आइज़ हैम्पर ना हो, इसीलिए आप डार्क मोड को यूज़ कीजिएगा। सेकेंड, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल से प्रोफाइल की सेटिंग, टिकटॉक की प्रोफाइल की सेटिंग कैसे करें। सेटिंग के आइकन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आता है माय प्रोफाइल। माय प्रोफाइल पर आप क्लिक कीजिएगा, आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। गैलरी में से कोई भी आप एक फ़ोटो को, जो भी आपका पसंदीदा फ़ोटो, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसे आप ड्रॉ ड्रैग करके उसे साइज़ को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो है सेट कर दिया। आपका यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन एक्टिवेट होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन एक्टिवेट होगा तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कुछ ही सेकंड में सेट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है निकनेम। निकनेम जो भी आप निकनेम लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं और उसे आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो भी आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर, यदि आप मोबाइल से फ़ोन नंबर बाइंड करना चाहते हैं तो बाइंड कर सकते हैं, यदि फ़ोन नंबर बाइंड नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। बाइंड करने के लिए आप जैसे ही आप बाइंड करने की और रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सबसे पहले आपके, जब आपने लॉगिन किया था और यहाँ पर आईडी का पासवर्ड दिया था तो आपको यहाँ पर आईडी पासवर्ड एंटर करना होगा।
मैंने यहाँ आईडी पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पर मेरे पास कंट्री कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे कंट्री कोड यानी कि इंडिया का 91, और तब मैं यहाँ पर अपने नंबर को बाइंड कर सकता हूँ। जैसे मैंने रिक्वेस्ट दी, एक ऑटोफिल का ऑप्शन यहाँ पर आया और मेरे पास 80 सेकेंड के अंदर जो मेरा OTP कनेक्शन है, OTP मेरे पास आएगा और यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, आगे चलते हैं। यानी कि एक ऑप्शन है आपका डिंगटॉक आईडी, यहाँ पर आप डिंगटॉक आईडी भी सेट कर सकते हैं। और एक मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर के ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने जेंडर के ऑप्शन में जेंडर को भी सेट कर सकते हैं, मेल फीमेल, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जिसे भी आप चूज़ करना चाहें, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी, प्लस आपका जो रीज़न है उस रीज़न में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो कंट्री है वो सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो आपका सब रीज़न है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग कर सकते हैं। ये तो एक छोटी सी वीडियो है प्रोफाइल सेटिंग्स से रिलेटेड। इसके बाद मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो, जो कि वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आ रही है, जिस पर आप टैप करके अपने डिंगटॉक की 5 बेस्ट फीचर जान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।